कोशिश करते हैं कि जब मैच नाइट हो तो फिर डे को ड्यूटी कर लेते हैं, और जब मैच डे को हो तो फिर नाइट। वहां पे फाइनल में मैंने 13 छक्के मारे थे और लास्ट ओवर में 13 रन सेव किए थे मैंने। हमारा भी सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि पंजाब पुलिस जैसे डिपार्टमेंट इस तरह के होन हर क्रिकेट भी मौजूद। रिक्वेस्ट है कि पंजाब पुलिस से के डिपार्टमेंट से कि इस तरह के प्लेयरों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। एक PSL एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेयर जाएंगे तो डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुदरती टैलेंट होता है, कुछ लोगों में खास होता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको देखा था लगातार 5 बॉलों पे 5 छक्के लगाए थे इन्होंने। इतना आपके पास टैलेंट है, बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो टीम में जाना चाहिए था, पुलिस में आ गए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे पुलिस वाले से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो ड्यूटी के बाद भी लोगों के छक्के उड़ाते हैं। नासिन, ये सियालकोट में बहुत मशहूर हैं, पुलिस वाला क्रिकेट वाला, पुलिस वाला जो है वो क्रिकेट मैन जो कि एक एक ओवर में 6-6 छक्के मारते हैं। नासिन, इनसे हम जानते हैं कि ये क्रिकेट का इनको शौक कैसे पैदा हुआ और कब से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, और पुलिस में आने के बाद भी क्रिकेट खेलने का ये शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फयाज है और वैसे मुझे सदाम कहते हैं। अच्छा सदाम साहब, मुझे ये बताएं कि ये क्रिकेट का शौक आपको कैसे हुआ और कब से खेल रहे हैं आप? जी ये तो बचपन से ही शौक था और बचपन से खेलते कूदते बड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में पुलिस में भर्ती हो गए, और वैसे ही ये नाम जो है ना लोगों ने मुझे दे दिया कि पुलिसमैन, क्रिकेटर पुलिसमैन। अच्छा, मुझे ये बताएं एक एक ओवर में 6-6 छक्के मारते हैं, ये इतना टैलेंट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुदरती टैलेंट होता है, कुछ लोगों में खास होता है, और अच्छा खेलते हैं। शुरू से खेलना पसंद था और बड़े बड़े क्रिकेटर को खेलते देखा और बाद में खुद जो है ना वो खेलना शुरू कर दिया, और अल्लाह पाक ने इज्जत देनी शुरू की। इतना आपके पास टैलेंट है, बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो टीम में जाना चाहिए था, पुलिस में आ गए। बस प्रोफेशनल जो है ना वो नहीं खेल सके। अच्छा। क्योंकि बैकवर्ड एरिया के थे हम, इधर पसरूर के गाँव में रहने वाले हैं। जी जी। और इतना जो है ना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो चले फिर पुलिस में भर्ती हो गए और बाद में कोशिश तो की लेकिन नहीं, अभी तो उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है। अच्छा। तो इधर ही गांव में या सिटी में खेल लेते हैं बस, एंजॉय कर। उम्र तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा नहीं है आपकी, शायद अफरीदी तक खेल रहे हैं, मिसबाउल हक खेल रहा है, तो आप देखिए कि आपको चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलें। वो ऐसा होता है ना कि ये जो हमारी इधर पुलिस जॉब है, ठीक है ना, जॉब में टाइम निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट हमारे लिए कोशिश करे तो फिर हम लोग आगे आ सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह के जो इदारे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर भी स्पोर्ट्स को जो है वो फोकियत दी जाती है, स्पोर्ट्स में जो दिलचस्पी रखने वाले जो होते हैं अहलकार उनको स्पोर्ट्स में भेजा जाता है, तो आपको क्यों नहीं भेजा गया? आम महकमों में तकरीबन जितने भी महकमे हैं उनमें है, स्पोर्ट्स में लोग जाते हैं, जैसे हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक PSL जो है, इसमें लोग आते हैं और अपने टैलेंट के बलबूते पे आगे चले जा रहे हैं, जैसे इधर हमारे मुख्तार अहमद हैं और अमाद भट्ट हैं, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हैं, वो गए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो है ना वो हमें अगर अपॉर्चुनिटी दे तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इंशाल्लाह हम भी जो है ना वो कोशिश करेंगे तो आगे जा सकते हैं हम भी। अच्छा, आपने एक इनिंग्स में ज्यादा से ज्यादा कितने छक्के मारे? वो तो डिपेंड करता है मैच में, लेकिन रिकॉर्ड हुआ अगर 10, 12, 15, 20 कितने छक्के मारे? ये रिसेंटली पिछले साल एक टूर्नामेंट हुआ था नाइट जाजोपुर में, ये हमारा तहसील का गाँव है, वहाँ पे फाइनल में मैंने 13 छक्के मारे थे और लास्ट ओवर में 13 रन सेव किए थे मैंने, ऑल राउंड खेला था मैं, तो वैसे ओवरऑल बहुत ज्यादा छक्के मारे हैं, 4-5 टेप बॉल में छक्के मारना कोई जो है ना वो मामूली सी बात है। अच्छा, गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको बहुत से काम होते हैं, मतलब घर के, मतलब अपनी तालीम के बाद भी, तो आपने बचपन में किस तरह से ये क्रिकेट को टाइम दिया, और घर वाले तो रोकते होंगे? जी बिल्कुल, घर वालों ने काफी रोका है। एक छोटा सा ऐसा वाकया है जो मैं बताना चाहता हूँ। इधर हमारे एक गाँव है डुगरी हरिया, वहाँ पे एक क्रॉस सिंगल विकेट का टूर्नामेंट होता था, तो वो मैंने विन कर लिया, तो घर वाले उधर जो क्राउड था मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था कि मैंने जो है ना वो टूर्नामेंट विन किया है, तो जब मैं उनमें से लोगों में से ट्रॉफी लेके आ रहा था घर, ट्रॉफी मेरे पास थी, तो जब घर पहुंचा हूं तो वालदा देखा है उन्होंने, वो अक्सर मुझे कहती रहती थी कि खेलने नहीं जाना, पढ़ा करो आप, कुछ बनना है ये वो, तो ऐसा हुआ कि मैं ट्रॉफी पकड़ी हुई है, तो वालदा ने उधर से जो
कह लें आपकी ईंट का छोटा पत्थर वो पकड़ के मारा, वो कप के ऊपर लग गया और कप वहां से ऊपर से ना टूट गया, गिर गया नीचे। अच्छा। और मैं वहां से भाग गया हूं कि अब मुझे मार पड़ने वाली है। अच्छा। लेकिन बाद में वाला साहब ने सपोर्ट की, चलें शुक्र है अल्लाह का, मामला ठीक हो गया। मतलब इस तरह के वाकयात भी आप फेस कर चुके हैं, तो मुझे बताएं कि जब आप क्राउड में जाते हैं तो खेलने के लिए क्या फीलिंग होती है? फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पोर्ट्समैन की जो फीलिंग होती है, ये मेरे पास खड़े हैं ये अहमद गुड्डू, हमारे तहसील पसूर के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ये साद है इधर, तो फीलिंग यही होती है कि जैसे कि खेलना है, मैच विन करना है, अपनी टीम को विन करवाते भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, प्राउड फील करते हैं बस। अच्छा, टेंस बॉल ही खेलते रहे हैं या फिर हार्ड बॉल भी खेलते हैं? जी हार्ड बॉल भी मैं खेलता हूँ, इधर सियालकोट अली 11 क्लब की तरफ से मैं कैप्टन हूँ उसका, और हार्ड बॉल टेप बॉल से मैं ज़्यादा अच्छी खेल लेता हूँ। तो टाइम नहीं होता क्योंकि डिपार्टमेंट में जॉब भी करनी होती है, हम पुलिस वालों की जॉब भी कुछ ऐसी होती है कि ड्यूटी चेंज वगैरह होती रहती है, नाइट ड्यूटी भी होती है, डे में भी होती है, किस टाइम फिर टाइम देते हैं क्रिकेट? हाँ, कोशिश करते हैं कि जब मैच नाइट हो तो फिर डे को ड्यूटी कर लेते हैं, और जब मैच डे के हो तो फिर नाइट को ड्यूटी कर लेते हैं। अच्छा, तो इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप ड्यूटी पे होते हैं तो आपके कोई फैन आपके सामने आ जाए तो फिर वो मिलते होंगे आपसे, क्या फील करते हैं? हाँ बिल्कुल, फैन मिलते हैं जब ड्यूटी करते हैं इधर बाइक पे हम, तो वैसे ही आते जाते ही बच्चे और लोग कहते हैं ये जा रहा है इस्लाम पुलिस में, ये क्रिकेटर भी अच्छा है, ठीक है ना, वो क्रिकेटर इसने वहाँ पे छक्के लगाए थे, वहाँ पे लगाए थे, ऐसा होता है। अच्छा मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स के हवाले से टेंस बॉल में काफ़ी मतलब फेमस नाम है, तो मुझे बताएं कि वो काफ़ी पेमेंट वगैरह लेते हैं, आपकी भी कोई डिमांड होती है? नहीं, डिमांड तो हमने कभी नहीं की, वैसे हम तो खेलते हैं जो है ना अपने एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं पैसे लेते हैं, तमूर मिर्जा अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, वो डिमांड करते हैं, पैसे भी लेते हैं, और हम भी कभी जाते हैं डिमांड नहीं करते, जो कोई दे दे ठीक है, एंजॉय कर लेते हैं। नासिर, तो इनके जो दोस्त हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या फील करते हैं कि उनका जो है वो एक दोस्त जिसका बड़ा नाम है, लोग दूर से जो है वो सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद गुड्डू है। अहमद से बताइएगा कि क्या फील करते हैं आपके दोस्त का जो नाम माशाल्लाह इतना बढ़ चुका है? माशाल्लाह बहुत प्राउड फील करते हैं जब सदाम भाई ड्यूटी कर रहे हो तो कोई भी पास से गुजरे ये सदाम जा रहा है, ये पुलिस में है और क्रिकेट भी बहुत अच्छा है, तो एक दोस्त जब किसी दोस्त को देखता है कि वो कामयाब हो रहा है तो एक अच्छा दोस्त उसको प्राउड ही फील करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउड ही फील करते हैं कि सदाम भाई एक अच्छे क्रिकेटर हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि पंजाब पुलिस से के डिपार्टमेंट से कि इस तरह के प्लेयरों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एक PSL एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेयर जाएंगे तो डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा और पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंट वाले लोगों को भी पाकिस्तान एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जी ब्रदर, आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि जब आपका दोस्त क्रिकेट खेल रहा होता है और छक्के पे छक्का लग रहा होता है, क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, सदाम भाई माशाल्लाह एक नॉन क्रिकेटर हैं हमारे इलाके के और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और यकीन मानिए कि मैंने इनको हार्ड बॉल की बैटिंग इनकी खुद देखी हुई है, इधर डिग्री कॉलेज में फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको देखा था लगातार 5 बॉलों पे 5 छक्के लगाए थे इन्होंने, ठीक है, तो बड़े फेमस हैं माशाल्लाह, और हमें भी बड़ी खुशी होती है जब आप लोग हमें पूछते हैं कि सदाम भाई कैसे क्रिकेटर हैं, यकीनन हमारा भी सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि पंजाब पुलिस जैसे डिपार्टमेंट इस तरह के हों, हर क्रिकेटर भी मौजूद। अच्छा, तो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपार्टमेंट से भी आप मतलब अप्रिशिएट किया जाता है? हाँ, ये पीछे जो है ना हमारे DPO साहब हैं हसन मोहम्मद, वो अभी भी इधर हैं। अच्छा। उन्होंने एक जो है ना वो अरेंज लेवल पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसमें हमारी टीम फाइनल में गई थी और फाइनल हम लूज कर गए थे गुजरांवाला की तरफ से, लेकिन होते रहते हैं ऐसे टूर्नामेंट, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि, वैसे मेरी अपील है उनके साथ उनसे कि IG साहब से कि जो डिपार्टमेंट के लड़के हैं उनको मौका देना चाहिए और वो आगे जाएं कि PSL खेलें और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, और मैं तो चलो हूँ, और भी बहुत से अच्छे लड़के हैं जो ऐसे ही जो है ना उनका टैलेंट ज़ाया हो रहा है, तो सपोर्ट करेंगे आप तो इंशाल्लाह हम आपको जो है ना वो अच्छी कारकर्दगी का रिजल्ट देंगे। अच्छा, मैंने एक बात पूछनी है कि जब आप पुलिस ज्वाइन किया आपने तो आपको जो है वो दिया गया होगा पिस्टल वगैरह के आपकी ड्यूटी के वाले से आप बेल्ट वगैरह दिया जाता है, तब आपने ये तो सोचा होगा यार मुझे ये ना दे मुझे बल्ला दिया जाए? जी बिल्कुल, वैसे मैं 20 साल की उम्र में ही भर्ती हो गया था पुलिस में, तो उस टाइम भी मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था, तो लेकिन एक जॉब की जो है ना ख्वाहिश थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब खुशी से करता हूँ,
और खेलता भी खुशी से हूँ, खुशी से जॉब कर रहा हूँ। जी नासिन, तो आपने गुफ्तगू सुनी पुलिस मैन की, जो कि क्रिकेटर हैं, एक ओवर में 6-6 छक्के दे मारते हैं। तो देखिए कि पीछे बॉलर ने भी बताया कि उनको भी 5 छक्के लग चुके हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि आजकल के यंग जनरेशन जो है वो अदर एक्टिविटीज़ में जाते हैं, मोबाइल में, टिकटॉक, ये वो, इस तरह की गेमें वगैरह, तो ये क्रिकेट जो है वो आपको पता है कि जिस्मानी ये मतलब गेम है, तो इसमें बहुत से लोगों को जो है इसमें तवज्जो देनी चाहिए, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगेबान।